हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान अड्डा पे। या जब गन्ना वैटी देख रहे हैं किसान भाइयों, यह है हमारी 0118 जिसको कि मैंने पिछली बार अपने प्लॉट में अक्टूबर के माह में लगाया था। और इसका प्लॉट देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा इस वैटी का हमारे यहाँ परफॉर्म आ रहा है। और इसका आप देख भी पा रहे होंगे, हल्का इसका जो लीपशीट होती है किसान भाइयों, हल्का गुलाबी कलर की होती है और अगोले पे काफ़ी अच्छे कांटे होते हैं। और इसके में अगर बात करें इसकी हाइट की किसान भाइयों, तो इसकी हाइट तकरीबन हमारे यहाँ 12 फीट तक इसकी हाइट हो चुकी है। क्योंकि ये ट्रंच से या गन्ना हमारा बोके तैयार किया है हमने, और ट्रंच से 3.5 फीट की दूरी रखी गई है हमने, लाइन में लाइन के बीच में 3.5 फीट की दूरी रखी है। और देख पा रहे हो इसकी डबल बंधाई हमने करवाई है। और जो बीच में स्पेस देख रहे हैं किसान भाइयों आप, या 3.5 फीट का है, आप बीच में चलेंगे तो आपको पत्ती एक भी नहीं आपसे टच होगी। और काफ़ी अच्छे इसका रिस्पांस हमारे खेत में आ रहा है। और मोटाई की बात करें तो मोटाई आप देख पा रहे होंगे, ऊपर तक की मोटाई काफ़ी अच्छी आ रही है हमारे। और टिलरिंग भी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे तत्व में इसके टिलर निकल रहे हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे टिलर इसके नज़र आएंगे आपको। और यह हमने इसका अक्टूबर माह में इसकी प्लांटिंग की थी, और काफ़ी अच्छा यह प्लॉट हमारा नज़र आ रहा है इस समय। क्योंकि इसकी जो हाइट है तकरीबन 12 फीट का खाली गन्ना इसका हो चुका है हमारे खेत में। और देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी टिलर्स भी देखें आप, देखें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसके टिलर्स भी हैं, ये देखें आप। और एक समय इसमें हमने सहफसली भी ली थी, इसमें मैंने लाही का इसमें हमने बीज डाला था, तो उसका भी उत्पादन इस खेत से हमने लिया था, पीली सरसों जिसको हम लोग कहते हैं। और देख पाएंगे आप सभी लेने जो उसकी हैं बिल्कुल खुली हैं, 3.5 फीट पे इसकी हमने बुआई की है ट्रंचर से। और जो गन्ने की हाइट है इसमें सितंबर का माह चल रहा है, तकरीबन 12 फीट हो चुकी है। अभी मान लीजिए 2 फीट तक गन्ने की हाइट और बढ़ेगी, क्योंकि अभी गन्ने की बढ़ाने में भी टाइम अभी और है। और इसकी हमने डबल बंधाई करवाई है, डबल लाइनों में बंधाई का ही देख जैसे आगा देख पा रहे होंगे, जैसे कि दो लाइनों को हमने आपस में जोड़ के बंधाया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे क्या है किसान भाई, गन्ना हमारा गिरता नहीं है, जितनी मर्जी तेज़ आपका बारिश या आंधी आए या गन्ना आप गिर नहीं सकता। देख रहे होंगे आप कितनी टाइट या गन्ना अच्छे से बांधा है, दो लाइनों में गन्ना हमारा ट्रंच वाला बांधा गया है। ट्रंच से क्या है किसान भाइयों, हमारा जो गन्ना है वो बहुत ही अच्छा बंधाई में बनता है। और इसके साथ साथ हम लोग उसमें अगर कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, यानी अगर हम इसमें गुड़ाई कराएं या किसी खाद डालना हो या स्प्रे डालना हो, वो हमारा काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि हमारा उसमें जो निकलने का जो देख रहे होंगे गलियारा, वो काफ़ी अच्छा बनता है। और आपको उसमें लेबर खर्चा भी काफ़ी कम होता है, गन्ने को भी अच्छे से हवा अंदर पास होती है गन्ने के अंदर। तो कुल मिला के आप ट्रंच से बुआई करें तो आपका जो उत्पादन है वो यकीनन आपका बढ़ेगा। और बीज के समय उतना ही पड़ता है जितना आप रेजर से बोएं लमसम। और देख रहे होंगे आप काफ़ी अच्छा इसके में बीच में गैप है, जिसमें हम जब गन्ने को अच्छा बाहर से प्रकाश मिलता है तो गन्ना की मोटाई है वो काफ़ी अच्छी बढ़ती है। क्योंकि प्रकाश से ही हमारे जो गन्ना है उसको भोजन बनता है और उसका विकास होता है। तो अच्छी मात्रा में प्रकाश मिलने से उसकी जो मोटाई लंबाई अपने आप बढ़ेगी गन्ने की। और वायु का संचार है जो, वो हमारे खेत से अच्छे से इसमें वायु हमारी ताज़ी हवा आती है और पास होती है अंदर से। तो इससे क्या है, जो बीमारियों का जो प्रकोप है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि हवा लगातार अंदर से पास होती रहती है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम ये भी बताइए कि हमारा प्लॉट गन्ने का या कैसा लगाया आपको। तो धन्यवाद किसान भाइयों, लगातार जुड़े रहिए, लगातार आपको हम गन्ने से जुड़ी हुई जानकारियाँ लगातार देते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद।